ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण चार प्रकार के जीवों की बात बता रहे हैं। पहले नित्य जीव, नारद आदि, सुखदेव जी, प्रहलाद जी, रमणा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद आदि, जो ये महानतम संत हुए हैं, जिनको माया छू नहीं सकती, जो हर समय स्वरूप को याद रखते हैं, अविस्मृति में रहते हैं, सतत स्मरण रहता है उनको अपने सत्य का, परमात्मा की भक्ति का। ये लोग पैदा ही ऐसे होते हैं। जड़ भरत जी पैदा ही ऐसे हुए। जो भी उनकी छोटी मोटी वासनाएं थीं, वो पिछले जन्मों में खत्म हो गई थीं। वो हिरण उनका आखिरी पड़ाव था, फिर वो पैदा ही मुक्त हुए। दूसरे वो जीव हैं जो कोशिश करके मुक्ति पाते हैं। तीसरे वो जो कोशिश कर रहे हैं पर अभी सफल नहीं हुए हैं। क्यों सफल नहीं हुए हैं? कि पुराने संस्कार जोर मारते हैं। जो तीन गुणों का मिश्रण है हम सब में, वो बार बार उठ उठ कर आता है और किसी न किसी इच्छा, किसी न किसी संकल्प में बांधे रखता है। अगर धन, कीर्ति, कामिनी का संकल्प खत्म हो तो हिरण ही आ जाता है जीवन में। कभी कहेंगे कि हमें अच्छा स्थान मिले तो हम ध्यान बढ़िया कर पाएंगे, अच्छी कंपनी मिले तब कर पाएंगे। ये जो शहर में हम रहते हैं, यहाँ बहुत पोल्यूशन है, यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, यहाँ की वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, हम किसी रमणीक जगह पर जाकर रहना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि ये सारे काम तो मुझे करुणावश करने ही हैं, मैं तो कर्मयोग करता हूँ, कर्मयोग ही मेरा रास्ता है। कुछ भी कहेंगे, सार ये है कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि परमात्मा ही केवल एक वस्तु है, बाकी सब तो नाम रूप मिथ्या है। संसार की सत्ता है नहीं, केवल परमात्मा की ही सत्ता है। और जीवन का ध्येय परमात्मा में विलय हो जाना है, चाहे वो ज्ञान से करो या भक्ति से करो। मन का नाश होना अति आवश्यक है, पर फिर भी मन में इतने खोए रहते हैं। मन बुद्धि की बातों को इतना सच मानते हैं
कि निकलने का रास्ता ही नहीं बनता। और चौथे हैं बद्ध जीव। बद्ध यानी हर समय सपनों में खोए रहना, कोई जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है स्वरूप का, परमात्मा का। संसार को परम सत्य मानते हैं और संसार से आनंद पाने की, पूर्णता पाने की सदा चेष्टा करते रहते हैं। ये सारे खेल मन बुद्धि में ही हो रहे होते हैं और कहाँ। बुद्धि कहेगी कि ये प्राप्त करो तो आप बहुत खुश होगे, बहुत पूर्ण महसूस करोगे, और ये अगर आपको नहीं मिलता और या ये नहीं होता या वो व्यक्ति ये नहीं करता या वो व्यक्ति ये कर देता है आदि, तो आप खुश होंगे या ना खुश होंगे, पूर्ण होंगे या अपूर्ण रहेंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि समझा देती है। और बुद्धि ये सब ज्ञान कहाँ से लाती है? सांसारिक ज्ञान। ये सांसारिक ज्ञान हवा में तैर रहा है, अर्थात आसपास के अधिकतर लोग यही मानते हैं। बहुत धन होना चाहिए, नाम होना चाहिए, सब लोग यही मानते हैं। और खुद सोचना अपने में एक बहुत ही मुश्किल काम है। माया का ऐसा प्रभाव है, ऐसा जोर है कि अपने आप सोचना, अपनी बुद्धि लगाना और ठीक गलत, नित्य अनित्य, भय अभय, क्या करना है क्या नहीं करना है आदि का भेद जान पाना, कि हमें प्राप्त क्या करना है, कहाँ पहुँचना है और उसके लिए क्या रास्ता है, ये समझ पाना अति दुष्कर कार्य है। अधिकतर मन बुद्धियाँ, अधिकतर लोग ये समझ नहीं सकते हैं। उनको संसार ही समझ आता है, जो दिख रहा है वहीं से खुशी पानी है, बस यही समझ आता है। लोग तारीफ करेंगे तो खुशी होनी चाहिए, लोग तारीफ नहीं करेंगे या आपको बदनाम करेंगे, आपको नहीं समझेंगे तो दुख होना ही चाहिए, इसे ही मानते रहते हैं। धन होगा तो खुशी होनी चाहिए, होगी ही, धन नहीं होगा तो खुशी नहीं ही होगी। तो पहले बुद्धि ये बातें मनवाती है, उसके बाद फिर आपके राग द्वेष आते हैं, इच्छाएं आती हैं कि अब धन प्राप्त करना है, संकल्प आते हैं कि अब मेरी मान, मेरी पढ़ाई होनी चाहिए हर जगह, नहीं तो इस संसार में क्या करने आए थे, कोई दो लोग जाने भी नहीं आपको। एक व्यक्ति हमें जानते हैं, उनसे पूछिए कि भई आपकी परम इच्छा क्या है, सब लोग मुझे जाने, मैं जहाँ जाऊँ मेरा नाम हो, यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरा एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट द टाइम्स ऑफ इंडिया में ज़रूर देना, सब लोगों को पता चल जाए कि मैं अब नहीं हूँ। तो ये जानने की, मनवाने की, कीर्ति की, धन आदि की, वस्तुओं की, जो ये इच्छाएं वासनाएं हैं, ये इतनी प्रगाढ़ होती हैं, इतनी गहरी होती हैं, आप समझ ही नहीं पाते कि ये केवल
क्षणिक मनोवृत्तियां हैं, जब मनोवृत्तियों में खो जाते हैं तो वो एक तरह से स्वप्न बन जाती हैं। स्वप्न क्या होता है? एक मनोवृत्ति है जिसमें आप खोए हैं, और जब वो स्वप्न चल रहा है आप उस मनोवृत्ति को सत्य मान रहे हैं। अगर आप राजा बन गए मनोवृत्ति में तो खुद को राजा मान रहे हैं उस समय। अगर एक भिखारी बन गए तो भिखारी मान रहे हैं उस समय। ये भान भी नहीं है कि आप ये सब नहीं हो। उसी तरह जागृत अवस्था का स्वप्न हर समय चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, जरा विश्राम नहीं लेने देता वो मन को। आप खोए रहते हैं, जब वो चल रहा है स्वप्न उसको आप परम सत्य मान रहे हैं, उसमें से निकलने की जरा चेष्टा नहीं है, इच्छा नहीं है। जैसे श्री रामकृष्ण ने कहा, मछलियां जाल में फंसी हैं, मिट्टी में मुंह घुसाया हुआ है, मछुआरा जल्दी ही खींच लेगा, काल जल्दी ही ग्रस लेगा, ये तो होना ही है। यहाँ पर अपना लक्ष्य निर्धारित करने की बहुत ज़रूरत है। क्या हम उन मछलियों की तरह ही बस आंखें मूंदे सपनों में खोए एक झूठे सुख में जीते रहेंगे, हर समय भागते रहेंगे, ये करना है वो करना है, ये पाना है वो छोड़ना है, इसी पकड़ने छोड़ने के चक्कर में सारा जीवन व्यतीत कर देंगे? या अब समय आ गया है कि जग जाएं, चेत जाएं और परम तत्व का, परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, उस पर अमल करें, भक्ति के लिए चेष्टा करें। इस जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा करें। आज नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। इसी तरह बद्ध जीव की तरह सपनों में खोए हुए ही जीवन निकल जाएगा। आज का समय खराब कर दिया तो समझो हमको बात ही समझ नहीं आ रही है, हमको गफलत अच्छी लग रही है। इधर उधर की बातों में, कार्यों में समय नष्ट करना अच्छा लग रहा है। भगवान कहते हैं मोघाशा, मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञाना, व्यर्थ की आशाओं में, व्यर्थ के ज्ञान में, व्यर्थ के कर्मों में मूर्ख लोग अपना समय नष्ट करते रहते हैं। और जो संत हैं वो परमात्मा में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि में बहुत क्लैरिटी होती है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर सांसारिक विषयों को चाहना है, उनके पीछे भागना है और सदा कार्यरत रहना है उनके लिए, तो परमात्मा की, सत्य की, ध्यान की, भक्ति की गुंजाइश ही नहीं बनती है। बस उथला उथला सा जीवन चलता रहता है। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारा उथला उथला जीवन न हो, हम बद्ध जीवों की तरह न जिएं, हम
सदा भक्ति में, ज्ञान विज्ञान वैराग्य में सराबोर रहें। भगवान हम पर कृपा करें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ओम तत्सत।